दोस्तों, पिछले 2 साल काफी उथल पुथल से भरे रहे हैं। कोरोना महामारी ने जीवन की गतिविधियों को अस्त व्यस्त कर दिया है, मगर रचनाकार इन विषम परिस्थितियों को भी अपनी कृतियों में दर्ज कराते चलता है। प्रकाशन की गतिविधियां ठप होने के बावजूद कथा संसार में काफी सक्रियता देखी गई। ये जानने की जिज्ञासा मुझे भी है और आपको भी होगी कि पिछले साल वो कौन से उपन्यास हैं, वो कौन सी कहानियां हैं जो चर्चाओं में रहे। सुपरिचित समालोचक संजीव कुमार और राकेश बिहारी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है, ताना बाना में स्वागत है और नए साल की शुभकामनाएं भी आप दोनों को। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले संजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस साल कथा साहित्य में किस तरह के ट्रेंड रहे। बहुत हलचल वाला साल रहा है, कोरोना की वजह से भी राजनीतिक उथल पुथल रही है, किसान आंदोलन हुए हैं, तो हर तरह से बहुत उथल पुथल वाला साल रहा है। हालांकि कथा साहित्य कोई 1-2-6 महीने में नहीं रचा जाता है, उसकी लंबी प्रक्रिया होती है, फिर भी क्या इस साल का कोई इम्पैक्ट दिखा है, क्या ट्रेंड देख रहे हैं इस बार कथा साहित्य में? देखिए, मुझे एक तो ये लगता है कि जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं ना, तो उसके मेथोडोलॉजी को लेकर के कई तरह से अप्रोच किया जा सकता है, तो उस समस्या को तो हम रहने दें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं जो कहीं उससे बहुत सहमति कुछ लोगों की न भी बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कथा साहित्य की, हिंदी कथा साहित्य की अपनी एक परंपरा रही है एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की और आलोचनात्मक होने की, उस पर वो हिंदी कथा साहित्य इस वर्ष भी कायम रहा है। और जो हाशिए के समाज हैं, स्त्री, दलित, मजदूर और किसान, इनको, इनके प्रति उसका रुझान, और सांप्रदायिक फासीवाद की जो करतूतें हैं उसके प्रति उसका आलोचनात्मक रवैया, ये कथा साहित्य की अंतर्वस्तु गढ़ने वाली चीज रही है मुख्य तौर पर। ऐसी कई कहानियां, कई उपन्यास मुझे याद आते हैं जब मैं ऐसा कह रहा हूं। जी, तो हम इनका विस्तार से भी जिक्र करेंगे, लेकिन इस पर राकेश बिहारी जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं। राकेश जी, आपने क्या देखा? कोरोना ने बहुत हलचल मचाई पूरे समाज में, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। क्या इससे कुछ, इसका कुछ असर दिख रहा है कथा साहित्य में या आने वाले वर्षों में दिखेगा? एक बहुत जरूरी बात अभी संजीव जी ने कही कि जो हिंदी कथा साहित्य की, या फिर कहिए पूरे हिंदी साहित्य की परंपरा में, साहित्य का जो उद्देश्य हमने देखा है अब तक, वह परंपरा आज भी कायम है। बहुत सही, आपने भी बहुत एक अच्छी बात कही कि प्रवृत्ति जो है वो किसी एक दिन में चिन्हित नहीं की जा सकती। तो मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार दूं कि पिछले कुछ एक वर्षों में, बहुत पीछे ना भी जाएं तो पिछले 5-7 वर्षों में जो कुछ परिवर्तन मुझे दिखाई दिए हैं, उसको मैं थोड़ा संरचना की तरफ भी लेके चलूं, तो एक जो बड़ा अंतर मुझे दिखाई पड़ता है कि कहानियों की लंबाई जो है वह लगातार बढ़ती जा रही है और उपन्यासों की लंबाई छोटी हो रही है। ये संरचना की बात। दूसरी बात, अभी आपने दलित स्त्री की बात की, तो जो अस्मितामूलक विमर्श पिछले 25-30 वर्षों में तैयार हुआ हमारे समाज में, उसका दायरा बढ़ा है। जो अस्मितामूलक विमर्श मुख्यतया स्त्री और दलित तक केंद्रित था, धीरे धीरे उसमें आदिवासी जुड़े, अब जो ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी समुदाय है उसकी बड़ी मजबूत उपस्थिति कथा परिदृश्य में देखी जा रही है। कहानियां लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, यहां तक कि आत्मकथाएं भी आ रही हैं। तो यह भी मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ती है। और एक आखिरी बात जो कहना चाहता हूं कि अभी जिस सांप्रदायिक फासीवाद की बात हुई, जिसका एक नतीजा हम देखते हैं कि एक पशु की रक्षा के लिए आप मनुष्य की बलि लेने के लिए लेने में हिचकते नहीं हैं, उस समय में इधर की कहानियों में लगातार मनुष्येतर पात्रों की उपस्थिति बढ़ी है, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पक्षी, गाय। तो यह जो है, मुझे लगता है वह जो अमानुषिक समय है उसका एक रचनात्मक प्रतिरोध है, जब मनुष्येतर प्राणी, चाहे वो वनस्पति हो या पशु पक्षी, कहानी में प्रोटेगनिस्ट की तरह उपस्थित होने लगे। तो ये मुझे एक बड़ा अंतर इधर की चीजों में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल।
अब हम आते हैं कि इस साल महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से आए। संजीव जी, आपकी नजर जी में इस साल के खास पैनल में, हम रेटिंग में नहीं जा रहे हैं, हम टॉप 5 टॉप 10 वाली स्टाइल में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में महत्वपूर्ण उपन्यास इस साल के कौन से रहे? रेटिंग हमारा मकसद होना भी नहीं चाहिए, जी और मैं तो मानता हूं कि राकेश मेरे मुकाबले बेहतर पढ़ते हैं, इसलिए वो शायद ज्यादा बता भी अरे पाएंगे। लेकिन जो मेरी निगाह से गुजरने वाले उपन्यास हैं, उनमें मुझे लगता है कि रणेंद्र का गूंगी रुलाई का कोरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो लंबे समय तक रहेगी, और जिस तरह का विषय उन्होंने उठाया है, मतलब संगीत को आधार बनाकर हमारी साझा संस्कृति का एक पूरा परिदृश्य पेश करना, और वो कैसे साझा संस्कृति हमारी निशाने पर है। 2002 की जमीन चूरी है उन्होंने, गुजरात में वली दकनी की मजार के नष्ट होने के बाद, खत्म किए जाने के बाद, और उस 2002 के पूरे परिदृश्य में आप 2014 के बाद का हमारा जो समाज है उसकी धमक सुन सकते हैं। तो जी ये एक महत्वपूर्ण कृति है। उपन्यास की दृष्टि से मुझे लगता है कि प्रहलाद चंद दास झारखंड के उपन्यासकार हैं, उनका मौसी का गांव भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपनी सीमाओं के साथ मेरे ख्याल से जो दलित इशू को एड्रेस करने वाला एक महत्वपूर्ण कोण है कि आखिर कैसे दलित समाज में सांप्रदायिक ताकतों ने पेनेट्रेट किया, उसको वो बहुत सफाई से पकड़ते हैं। उसकी सीमा सिर्फ ये है कि उसमें पात्र अपनी बातचीत में बहुत व्याख्यान देते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि औपन्यासिक संरचना की दृष्टि से एक थोड़ी पुरानी किस्म की चीज लग सकती है। उपन्यासों में अभी अभी जो एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है, और आप देखेंगे तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से वो 2022 में आता है, लेकिन अब चूंकि उसका लोकार्पण हो चुका है और मैं खुद लोकार्पण पे बोल चुका हूं, तो मैं कैसे उसको 2022 का मानूं। जी वो प्रवीण कुमार का उपन्यास है अमर देसवा, जी जो बिल्कुल कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्रित है। और ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था कि कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होते न होते ये उपन्यास प्रकाशित हो गया, और कोई रिपोर्ट जैसी चीज नहीं है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिपोर्ट बुरी चीज होती है, लेकिन रिपोर्ट और उपन्यास, इनके काम अलग अलग हैं। तो प्रवीण की उपन्यास की विशेषता है कि वो उपन्यास है, और वो बहुत तरह के आयामों में इस कोरोना जी संकट को भी पकड़ता है, और ये भी देखने की कोशिश करता है कि इसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये एक जी महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस वर्ष की। और अगर मुझसे कुछ छूट ना रहा हो तो मैं स्वांग का नाम लेना चाहूंगा, जो ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है। आपको ध्यान में जी होगा, हमारे वरिष्ठ लेखकों में है, बारहमासा बिल्कुल, इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास था। और ये स्वांग त्रयी जो, का तीसरा भाग था। जी हाँ, ये तरह का तीसरा भाग है, और वही बुंदेलखंड, वही बुंदेलखंडी बोली और व्यंग्यात्मक शैली शुरू से आखिर तक, और अंत में जो उसका जो प्रसंग है वो तो मैं पढ़ के भावुक हो जाता हूँ। जब जी वो स्वतंत्रता सेनानी जो है पग्गल बाबा, उनको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद लेखक जो है एक बार दौड़ कर पीछे का पूरा रिव्यू पेश कर देता है आपके सामने कि हम किस जी दौर में आ गए हैं। तो ये बिल्कुल है तीन चार उपन्यास जो मेरी निगाह में आए हैं। जी अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बिंज पर अनिल यादव का उपन्यास है स्टेशन। जैसे जैसे वो आ रहा था वैसे वैसे मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन अनिल यादव एक अद्भुत लेखक है। उसकी कथा भाषा जी ऐसी है जो मुझे बिल्कुल पकड़ लेती है, और मैं अभी उसके 5-6 एपिसोड्स पढ़ पाया हूँ। मुझे लगता है कि ये भी एक कमाल की चीज है जो इस साल आई है। बिल्कुल। राकेश जी, आपकी फेहरिस्त में कौन से उपन्यास हैं? का जिक्र संजीव जी ने किया उससे सहमत होते हुए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। एक जो इधर के उपन्यासों में, उसे आप ट्रेंड की तरह भी देख सकते हैं, कि जो हमारे साहित्यिक सांस्कृतिक नायक रहे हैं हमारी परंपरा के, उन लोगों के जीवन को आधार बनाकर उपन्यास लिखने की बात पिछले वर्ष खूब हुई है। और इस क्रम में मुझे तीन उपन्यास महत्वपूर्ण लगते हैं, और तीनों अपनी सीमाओं के बावजूद। एक तो संजीव जी का उपन्यास आया है सेतु प्रकाशन से, पूर्वी बयार, जो महेंद्र मिश्र के रचनाक्रम पर, उनके जीवन पर केंद्रित है। बिल्कुल बहुत दूसरा अच्छा उपन्यास रजनी गुप्त का है, जो वाणी प्रकाशन से आया, कि याद जो करें सभी, यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन पर आधारित उपन्यास है। और जी तीसरा राजकमल प्रकाशन ने छापा है श्यामल, श्याम बिहारी श्यामल का कंथा। उपन्यास कंथा, जो जयशंकर जी प्रसाद के जीवन पर आधारित है। तो ये तीनों उपन्यास भी मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। इसमें कुछ और जोड़ूं तो एक बहुत युवा लेखक हैं अमित ओहलान, इनका एक उपन्यास है सुल्फी यार, जो आधार प्रकाशन ने छापा है। यह उपन्यास कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
हम लोगों ने अपनी परंपरा में बहुत सारे ऐसी कृतियों का जिक्र किया है, पढ़ा है उसे, जहां हम कहते हैं कि वहां नायक समय ही है, वहां नायक स्थान ही है। उस परंपरा का इस अर्थ में यह विस्तार करता हुआ उपन्यास है, और मुझे लगता है मेरी सीमित पढ़त में यह पहला उपन्यास है जहां 220 पृष्ठ के उपन्यास में किसी पात्र का कोई नाम नहीं है, किसी पात्र का नाम नहीं है, लेकिन वह जो हरियाणा का इलाका है, हिमाचल से सटा हुआ, कुछ एनसीआर से भी सटा हुआ, वहां जो नशा की प्रवृत्ति है युवाओं के बीच में, उसको लेकर बहुत कमाल तरीके से ये उपन्यास हमारे बीच उपस्थित हुआ है। जी। मैं देह कुठरिया का जिक्र करना चाहता हूं, इसे भी सेतु प्रकाशन ने छापा है। जया जादवानी का यह उपन्यास है जो ट्रांसजेंडर्स के जीवन यथार्थ को हमारे सामने लाता है। इसकी विशेषता यह है कि देखिए, ट्रांसजेंडर पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन उनके जीवन यथार्थ को उन्हीं की भाषा में सामने रखने का काम यह उपन्यास करता है। और इसके लिए जया जी ने जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर उठाई है, सबसे बड़ा जोखिम उठाया हुआ यह कि उन्होंने जो अपनी कथा भाषा अर्जित की थी, जो बहुत ही कलात्मक और कोमल भाषा हमने देखी है, उसके बरक्स ट्रांसजेंडर की भाषा के यथार्थ को उन्होंने अपनी भाषा के रूप में वहां पर रखा है। इस लिहाज से मुझे एक महत्वपूर्ण किताब लगती है। और आखिरी किताब का जिक्र मैं करना चाहूं, देखिए पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय साहित्य की एक परंपरा तेजी से हमारे बीच विकसित हो रही है, और हम जो सो कॉल्ड मुख्य धारा के साहित्यकार हैं या साहित्य के पाठक हैं, कई बार उनसे किनारा कर लेते हैं, और उसके पीछे हमारा कारण लगता है यह होता है कि शायद वो चीजें कहीं ना कहीं व्यवस्था और रूढ़ियों की को पोषित करने वाली चीजें होती हैं। लेकिन पिछले दिनों मुझे एक उपन्यास दिख गया जिसका नाम है राम भक्त रंगबाज। ये राकेश कायस्थ का उपन्यास है, हिंदुयुग ने छापा है। पिछले 30 वर्ष का समय है यहाँ पे, ठीक 30 वर्ष पहले जाइए 1990, जब मंडल कमंडल और भूमंडल, पिछले अंक में ही इसकी समीक्षा भी की हाँ, थी जी। तो ये मंडल कमंडल और भूमंडल, इस तीनों ने कैसी त्रासदी हमारे सामने खड़ी की, और उस त्रासदी को आज 30 वर्ष के बाद हम किस तरह भुगत रहे हैं, इसको बहुत ही रोचक तरीके से उपन्यास हमारे सामने रखता है जी। तो राकेश जी, अगर आप इसकी चर्चा ना करते तो मैं चर्चा करने वाला था, क्योंकि ये उपन्यास मैंने पढ़ा है और मैं बहुत इससे मुतासिर हूँ। मुझे बहुत अच्छा उपन्यास लगा, कसा हुआ बारीकी से सामाजिक मनोविज्ञान को प्रदर्शित करते हुए। हमें समझना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा, आप दोनों का रिकमेंडेशन जी, मैंने देखा नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो 6-7 उपन्यास है, मुझे लगता है संजीव जी की सूची में इसको भी हमें जोड़ना चाहिए। और बिल्कुल हम किसी रेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी पढ़त में जो चीजें महत्वपूर्ण गुजरी हैं किन्हीं कारणों से, उनकी एक सूची कह लीजिए हम लोग साझा कर रहे हैं। संजीव जी, हालांकि समय बहुत सीमित है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इनमें दलित साहित्य और स्त्री लेखन दोनों की तरफ से भी कुछ अगर प्रविष्टियां हो जाती तो अच्छा रहता। हालांकि जया जादवानी का नाम लिया है आपने, जया जादवानी और प्रहलाद चंद दास की बात हुई जी, बिल्कुल। मैं जिक्र करना चाहता था मुकेश जी, वो बात रह गई, असल में एक उपन्यास जो अभी आना है लेकिन जिसके अंश बहुत सारी पत्रिकाओं में आ गए हैं, मेरा ख्याल है कि लगभग 26-27 अंश आ चुके हैं, रत्न कुमार सांभरिया का सांप। ये रत्न कुमार सांभरिया दलित लेखक हैं और दलित समाज को लेकर लिखते रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा उपन्यास है जिसमें कि कलंदरों और सपेरों और भालू नचाने वालों, इनका जो समुदाय है उसके साथ बहुत लंबे समय रह के और शोध करके लिखी गई चीज मुझे लगती है ये। तो इसीलिए जो जो अंश मैंने इसके पढ़े हैं अलग अलग हिस्सों में, और मेरा ख्याल है कि पिछले हंस में उसका एक हिस्सा कहानी के रूप में भी आया हुआ है, वो सब गजब के हैं, और इनको मिलाकर मेरे मन में एक उपन्यास की जो छवि बन रही है, जिसको कि आगे आना है किसी वक्त में, शायद 2-4 महीने में, मुझे लगता है कि वो इस तरह के हाशिए के समाज का एक बहुत प्रामाणिक दस्तावेज होने जा रहा है जी। तो ये मेरे ख्याल से उपन्यास के क्षेत्र में एक उपलब्धि हो रही है जी। तो अब आते हैं कथा संग्रह, कहानी संग्रह पर, उसकी सूची आपकी कैसी बन रही है संजीव जी? देखिए, कहानी संग्रहों वाले में एक समस्या मुझे खाली लगती है, वो ये कि कहानियां पहले छप जाती हैं, संग्रह बाद में आता है। संग्रह तो असल में उनको एक जिल्द में लाने का उपक्रम भर है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण कहानियों पर कहानियां आई हैं उनका भी हम नाम उल्लेख। बहुत सही, बहुत सही। तो सबसे पहले तो मैं संग्रहों में प्रियदर्शन के संग्रह का नाम लूंगा, हत्यारा और अन्य कहानियां।
और इसमें कई कहानियां हैं, हाँ कई कहानियां हैं जो मेरी पसंदीदा हैं। एक तो शीर्षक कहानी जो हत्यारा है, इसके अलावा सलीम भाई काश आप हमारे एडिटर होते, और एक मॉल शीर्षक कहानी है, एक बुलडोजर है, ये सब यादगार कहानियां हैं। और मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाऊं कि ये जो हत्यारा कहानी है वो संभवतः पहले आ चुकी होगी, संकलित तो इस वर्ष हुई, लेकिन इसी शीर्षक से वैभव सिंह की कहानी इस वर्ष आई है जो समालोचन ब्लॉग स्पॉट पर आप देख सकते हैं। अभी और अभी अभी इसी शीर्षक से दोनों कहानियां हैं, और दोनों कहानियां जो भगवा हत्यारापन विकसित हो रहा है हमारे समाज में उस पर केंद्रित हैं, उसी की बात करती हैं दोनों कहानियां। दोनों अलग अलग तरीके से बात करती हैं, एक कहानी गांधीवादी तरीके से उसका उपचार सुझाती है, और दूसरी कहानी ये दिखलाती है कि एक व्यक्ति जो हत्या करने गया था और जिसकी हत्या होनी है उसकी आंखें देखकर वो कर नहीं पाया, वो कैसे इस तरह के भाषणों को, जो अभी अभी धर्म संसद में हुआ भाषण है, ऐसे भाषणों को सुनकर अपराध बोध से निकल जाता है और उसको लगता है कि जब दुनिया में इतने भाषण पब्लिकली दिए जा रहे हैं हत्या को लेके, तो मैं ही क्यों अपराध बोध पालू। तो एक तो ये संग्रह है, दूसरा विपिन कुमार शर्मा का दिन ढले की धूप, ये खासतौर से जो शीर्षक कहानी है ये मुझे विशेष रूप से पसंद है। वैसे इसमें 5 लंबी कहानियां हैं, और शीर्षक कहानी की विशेषता है कि एक बच्चे की निगाह से, जो उठौवा ब्याह कहते हैं जिसको, जिसमें अपहरण करके शादी की जाती है, पकड़ा हुआ जी, 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 उसमें लड़की की क्या दशा होती है, इसको एक बच्चे की निगाह से दिखलाया गया, बहुत मार्मिक कहानी है। एक और संग्रह का जिक्र करना चाहूंगा जो वरिष्ठ कहानीकार नीरज सिंह का संग्रह है, उसका फैसला। नीरज सिंह 80 के दशक में जनवादी कहानीकार के रूप में उभरे थे, और आप ये जो इनकी 2000 और बाद की कहानियां पढ़ेंगे, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे जनवाद को भी अपनी पुनर्परिभाषा करनी पड़ी है। कहां हम मजदूर किसान इनकी लड़ाई लड़ने को ही जनवाद मानते थे, और कहां नवोदारवाद के बाद हालात ये हैं कि हम बनाने की नहीं बल्कि बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली व्यवस्था ने जो चीजें हमें दी थी हमको उसी तरह बचा लें, हम इसकी लड़ाई में लगे हुए हैं। तो नीरज सिंह का संग्रह इस दृष्टि से मुझे उल्लेखनीय लगता है। और कहानियों में मुझे बस एक का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि राकेश को फिर वक्त नहीं मिल पाएगा। अभी अभी आलोचना में योगेंद्र आहूजा की कहानी आई है, डॉक्टर जीवागो। मैं योगेंद्र आहूजा को आमतौर पर कहानीकारों की श्रेणी में बहुत ऊपर मानता हूँ, और मतलब एक तरह का, हाँ एक तरह का फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। तो योगेंद्र आहूजा की ये कहानी फिर ये साबित करती है कि वो अपना फर्क बनाए हुए हैं और एक बहुत अलग तरह के कहानीकार हैं। जो निश्चित तौर पर यही कुछ खास। अब राकेश पूरक के रूप में सारी बातें बता सकते हैं राकेश नहीं, बिल्कुल जो पहली बात संजीव जी ने कही वह मेरे मन की ही बात है कि कहानी संग्रह दरअसल वर्ष विशेष की रचना होती नहीं है, नहीं होते हैं जी। फिर भी कुछ वैसे कहानी संग्रह, कुछ ऐसे कथाकारों के संग्रह कही आए हैं हमारे सामने जो पत्र पत्रिकाओं में कभी उनकी कहानियां मैंने कम से कम नहीं देखी थी उस तरह से। तो मुझे लगता है कि पहले मैं उन दो एक संग्रहों को रेखांकित करूं जी। अरुणाचल की एक कथाकार है जमुना बिनी, तो जो अरुणाचल का जनजीवन है उसको लेकर मुझे लगता है फर्स्ट हैंड अनुभव उसका जो है हिंदी कहानी में मुझे पहली बार दिखाई पड़ा। उनका संग्रह आया है अयाचित अतिथि और अन्य कहानियां, और प्रकाशक भी देखिए ये समय साक्ष नाम के एक प्रकाशक के देहरादून की। तो इस दृष्टि से इस संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए। इस संग्रह की एक कहानी जो संग्रह में भी मौजूद है और पिछले दिनों कथा संवेद में मैंने खुद छापी है, बांस का फूल, वह कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे संकट के समय में जब हम कोरोना का संकट देख रहे हैं, देखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ऐसी चुनौतियों के बीच, लेकिन दूसरे तरह की ऐसी कोई चुनौती उस जनजीवन की है, वहां पर कैसे दो लोग पास आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं और वहां का ऐसा जनजीवन जो हमने नहीं देखा है उसको दिखाने का वह प्रयास करता है संग्रह। वहीं पर एक दूसरा संग्रह आया है गणासा गुरु की शपथ, ये कुंदन यादव नाम के एक कथाकार हैं। इनकी कहानियां मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, पता चला ये कहीं अधिकारी हैं, लेकिन एक जो सामान्य हमारी समझ होती है और सामान्यतः कहानियां ऐसा करती भी हैं कि जो अधिकारी वर्ग के कथाकार हैं वो किन्हीं कारणों से जो व्यवस्थागत जो दिक्कतें हैं, जो व्यवस्था की फांके हैं, उसके तरफ वो इशारा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह संग्रह उसका प्रतिलोम है। बनारस की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानियां हैं, लेकिन जब उसके भीतर आप प्रवेश करते हैं तो देखिए, मुझे लगता है कि कथाकार के उस साहस को भी रेखांकित करना चाहिए कि जो व्यवस्था के भीतर रहते हुए, मैं नहीं जानता कि इसको इस तरह रेखांकित करना भी कितना किसी के लिए महंगा पड़ सकता है,
लेकिन व्यवस्था के भीतर रहते हुए व्यवस्था की फांकों को दिखाने वाली यह किताब मुझे महत्वपूर्ण लगती है। लेकिन कात्यायनी कथा की कला को मापने का ये मानदंड नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कथा के अपने मानदंड है, कथा को मापने के, उनकी रक्षा करते हुए यदि व्यवस्था के भीतर रहने वाला व्यक्ति व्यवस्था की खामियों को आपके सामने उजागर करता है तो उस चीज को जरूर रेखांकित किया जाना चाहिए। जी जी, कात्यायनी का एक संग्रह इधर आया है, बहुत पहले कुछ कहानियां उन्होंने लिखी थी, क्योंकि ईश्वर चंद्र सागर ईश्वर नहीं था, यह रुद्रादित्य प्रकाशन ने छापा है। इधर अंतिका प्रकाशन ने पिछले दिनों 10 कहानीकारों का एक सेट लाया है, जिसमें जो महत्वपूर्ण किताबें मुझे लगती है वो है गुलाबी नदी की मछलियां सिनेवाली का संग्रह है, नवनीत नीरव का पहला संग्रह है दुखांतिका, विपिन कुमार शर्मा के संग्रह की बात संजीव जी ने कर ही दी है, प्रकाश कांत का एक नया संग्रह आया है, शायद बसंत में पतझड़ या पतझड़ में बसंत, इस तरह का कुछ नाम है, वो भी एक महत्वपूर्ण है। अब मैं कुछ कहानियों की बात कर लूं, मेरी सूची में जो सबसे पहली कहानी थी उसका बहुत अच्छी तरह से जिक्र संजीव जी ने किया, योगेंद्र आहूजा की कहानी का। इधर जो एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, बिल्कुल खत्म हो रहा है, बस मैं खत्म करूं कि एक जो बहुत जो ऐसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि निकट यथार्थ को रचना में ढालने की हड़बड़ी, लेकिन उस हड़बड़ी के बीच भी उस बेचैनी को कोई पकड़ सकता है, जो यति यथार्थ जिसे संजीव जी ने कहा है, वो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये कहानी है। इसके अतिरिक्त मैं देखूं तो हंस में प्रकाशित इनकी प्रमोद कुमार राय की कहानी कंपनी की बीवी, कथा संवेद में मैंने प्रकाशित की निर्वसन रश्मि शर्मा की, ये कहानियां भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। और एक आखिरी बात कि पिछले दिनों रेणु जन्म सती मनाते हुए मैंने कथादेश का एक अंक संपादित किया और हमने रेणु की 5 कहानियों को फिर से लिखवाया है। ये कहानियां कई दृष्टियों से, ये जो 50-55 साल का फासला बीच, उसको बहुत खूबसूरती से पकड़ती हुई कहानियां हैं, जिसमें पंकज मित्र की कहानी रसप्रिया पर बज्जर गिरे, कविता की तीसरी कसम उर्फ महुआ गटवारिन को डूबना होगा, राकेश दुबे की ठेस जारी, आशुतोष की फिर पंच लाइट और शिवेंद्र की क्वीन ऑफ हार्ट्स, ये 5 कहानियां मुझे लगता है उस दृष्टि से भी पढ़ी जानी चाहिए। तो इस सूची में मैं इस तरह से अपने आप को जोड़ना चाहूंगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। दर्शकों, ये जो किताबों की चर्चा हमने की है ये कोई पूरी सूची नहीं है, हमने कोशिश की है कि उल्लेखनीय किताबों का जिक्र हो, आप तक ये सूचनाएं पहुंचे, लेकिन इसे ना तो रेटिंग मानिएगा और ना ही पूरा परिदृश्य इसमें आ पाया है, इसलिए जो लेखक और कथाकार इसमें इस चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिनका जिक्र नहीं हो पाया जिनकी रचनाओं का, वो भी इसे इस तरह से कृपया न लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।